नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 फरवरी 2020 और स्वागत है आपका पहली बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। बजट 2020-2021 को हम सिस्टमेटिक मैनर में डिस्कस कर रहे थे। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर चुके हैं और अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन एंड स्किल्स सेक्टर से। देखो, 2030 तक हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, मतलब 15 से 64 साल के जो पर्सन हैं वो काम कर सकते हैं, ऐसे पर्सन्स आते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में। तो इन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा इंडिया में होगी पूरे वर्ल्ड में 2030 तक। हमें ना सिर्फ ऐसे लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, हमें इन्हें जॉब भी देने की आवश्यकता है, हमें इन्हें लाइफ स्किल्स भी देने की आवश्यकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन्स किए गए हैं एजुकेशन एंड स्किल्स सेक्टर के लिए बजट 2020-2021 में। एजुकेशन सेक्टर के लिए टोटल एलोकेशन इस बार है 99,300 करोड़, पिछले साल की अपेक्षाकृत ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ ज़्यादा। पिछले साल एजुकेशन सेक्टर के लिए 95,000 करोड़ के आसपास एलोकेट किए गए थे। वैसे देखो, पिछले साल की अपेक्षाकृत एजुकेशन सेक्टर के लिए ज़्यादा पैसे एलोकेट हुए हैं, लेकिन ये हमारी GDP का ऑलमोस्ट 3.1% है। वेरियस कमेटीज़ के द्वारा और इकोनॉमिक सर्वेस के द्वारा ये बार बार बोला गया है कि हमें हमारी देश की GDP का ऑलमोस्ट 6% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वॉल्यूम सेकंड, पेज 275, बोला गया है कि सरकार को 6% ऑफ GDP एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए, लेकिन उतना सरकार खर्च नहीं कर रही है काफ़ी बार रिकमेंडेशंस देने के बावजूद। स्किल्स के लिए सरकार 2020-2021 में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार जल्द ही अनाउंस करेगी। आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज किया था और पब्लिक को कहा था आप कमेंट कीजिए, एडवाइस दीजिए इस ड्राफ्ट नई एजुकेशन पॉलिसी पर। तो बहुत सारे सजेशंस सरकार के पास आए। अब आवश्यक चेंजेस करने के बाद सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी को जल्द ही अनाउंस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी पुलिसिंग साइंस के ऊपर स्टडी करने के लिए, कैसे पुलिसिंग करनी चाहिए, भीड़ से पुलिस के द्वारा कैसे निपटा जा सकता है, कहाँ पर पुलिस को सेल्फ कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कहाँ पर पुलिस को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों पर डिटेल से स्टडी करने के लिए एक नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके साथ साथ एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। देखो, जब क्राइम हो जाता है तो वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है और बहुत बार डेटा भेजा जाता है फोरेंसिक लैब्स में, लेकिन हमारे देश में फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल अच्छे से नहीं होता जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, पुलिस पूछताछ कम करती है, फोरेंसिक साइंस की सहायता से आरोपियों को या फिर अपराधियों को जल्द पकड़ती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि इंडिया में फोरेंसिक साइंस कमज़ोर है। पुलिस का इस बात पर फोकस होता है कि जिन लोगों पर शक है उनको पकड़ा जाए, उनको मारा पीटा जाए और अगर उन्होंने क्राइम किया है तो जल्द उनसे उगलवा लिया जाए। लेकिन देखो, इस चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है निर्दोष लोगों की हरासमेंट हो जाती है। तो असली पुलिसिंग वो होती है कि बिना थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किए पुलिस ये पता लगा लेती है कि अपराध किसने किया है। तो फोरेंसिक साइंस को मजबूत बनाने के लिए और साइबर फोरेंसिक्स में भी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट प्रोविजन, देखो हमारे देश में बहुत से गरीब लोग होते हैं जो डिग्री नहीं कर पाते, बहुतों के पास पैसा नहीं होता, कईयों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, मतलब वो रिमोट एरियाज में रहते हैं और कॉलेज आसपास कोई होता नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ देते हैं। तो अब सरकार ने ये अनाउंस किया है बजट में कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जिनको रैंक प्राप्त हुई है टॉप 100 में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अनुमति दी जाएगी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम चला सके डिग्री लेवल का। मैं फिर से बोलता हूँ, वो इंस्टीट्यूशंस जिनको टॉप 100 में रैंक प्राप्त हुई है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे यूनिवर्सिटीज फुल फ्लेज्ड डिग्री लेवल के प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकेंगे और इसका लाभ उठाया जा सकेगा गरीब लोगों के द्वारा
या फिर वल्नरेबल सेक्शंस के दौरान जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है बहुत सारे रीजंस की वजह से, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, हो सकता है वो दूर दराज के इलाकों में रहते हों, आसपास कोई कॉलेज ना हो, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन डिग्री प्राप्त की जा सकेगी तो काफ़ी फायदा होगा डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोगों को। अभी देखो सरकार ने ये साफ नहीं किया है ये डिग्री लेवल के प्रोग्राम फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर कुछ फीस वसूली जाएगी, लेकिन ज़्यादा फीस तो देखो नहीं वसूली जाएगी, ऐसा तो सरकार जरूर इंश्योर करेगी, लेकिन फिर भी क्या डिटेल्स सरकार देती है फ्यूचर में वो देखने लायक होगा। नेक्स्ट प्रोविजन, देखो हमारे देश में बहुत से स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं उनकी जॉब नहीं लग पाती। इंडस्ट्रीज वाले बोलते हैं आपके पास वैसी स्किल्स नहीं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आपके पास ऐसी स्किल्स नहीं हैं जिनकी मार्केट में आवश्यकता है, आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक अनाउंसमेंट बजट में ये की गई है, जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट हुए हैं, उनको एक साल की इंटर्नशिप दी जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा। देखो इंटर्नशिप में ये होता है, जैसे इस केस में हम फ्रेश इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप करेंगे या तो उनको सैलरी मिलेगी ही नहीं, या मिलेगी तो कम मिलेगी, बट उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखने को जब उनको मिलेगा तो अपनी उस लर्निंग का वो इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर दूसरी कंपनीज में जॉब प्राप्त करने के लिए, ये फायदा होता है इंटर्नशिप का। नेक्स्ट, अभी देखो हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो बजट में एक अनाउंसमेंट ये की गई है कि ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स निकल कर आए और डॉक्टर्स की जो हमारे देश में कमी है उस कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट प्रोविजन, देखो हमारे देश के टीचर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की और केयर गिवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है विदेश में। आपको पता भी है मिडिल ईस्ट में और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे देश से बहुत सी नर्सिस और टीचर्स जाते हैं काम करने के लिए। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में स्पेशल ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। ये कोर्सेज चलाए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा मिलकर। इन स्पेशल ब्रिज कोर्सेज का काम क्या होगा, देखो हमारे देश में टीचर्स, नर्सिस या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं काफ़ी बार स्किल्स की कमी होती है, मतलब जिन स्किल्स की डिमांड की जाती है विदेशों में, बहुत बार हमारे देश में टीचर्स के पास, नर्सिस के पास डिग्री तो होती है लेकिन वैसी स्किल्स नहीं होती जिनकी डिमांड है फॉरेन में। तो ये स्पेशल ब्रिज कोर्सेज स्किल्स में जो गैप है उनको फिल करने की कोशिश करेंगे, यानी विदेश में जिस प्रकार की टीचिंग की आवश्यकता है, जिस प्रकार से नर्सिंग की आवश्यकता है, उस प्रकार की स्किल्स प्रोवाइड करेंगे इन स्पेशल ब्रिज कोर्सेज में। इनका टाइम स्पेन होता है 6 महीने या फिर 1 साल। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन, जैसा हमने डिस्कस किया हमारे देश में जॉब्स तो देखो काफ़ी हैं, लेकिन अक्सर इंडस्ट्रीज वालों की शिकायत ये होती है हमें जिन स्किल्स की आवश्यकता होती है वैसी स्किल्स उन स्टूडेंट्स में मिलती नहीं हैं जो अभी अभी पास आउट हुए हैं। तो एक अनाउंसमेंट ये की गई है, मार्च 2021 से पहले 150 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स चलाएंगे जिनमें अप्रेंटिसशिप का भी प्रोविजन होगा। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार से इंटर्नशिप की तरह ही होती है, बिल्कुल सेम तो नहीं होती, कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन आप समझने के लिए मान सकते हो अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप की तरह ही होती है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी डिग्री कंप्लीट की है वो कम सैलरी पर काम करते हैं और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और जो वो सीखते हैं उसकी सहायता से वो दूसरी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर में 100% FDI को अलाउ कर दिया गया है। इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर के लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को भी अलाउ कर दिया गया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का क्या मतलब है, देखो जब इंडियन एंटिटीज़ के द्वारा, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है या फिर इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो नॉन रेजिडेंट लैंडर्स से लोन लेता है तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। नॉन रेजिडेंट लैंडर कौन हुआ, नॉन रेजिडेंट लैंडर मतलब इंडिया से बाहर का कोई बैंक है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये सब नॉन रेजिडेंट लैंडर में आएंगे। सिंपल भाषा में बात करें
इंडिया की किसी कंपनी के द्वारा या फिर दूसरी एंटिटी के द्वारा विदेश से जो लोन लिया जाता है वो आता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में। तो अब हमारे देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो दूसरे देशों के लेंडर्स से लोन ले सकेंगे। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की मिनिमम जो मैच्योरिटी होती है वो होती है 3 साल। नेक्स्ट प्रोविजन देखो, हम चाहते हैं इंडिया एक एजुकेशन हब बने, तो ये इंश्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से स्टूडेंट आए हमारे देश में पढ़ने के लिए, बजट में एक इंट सेट एग्ज़ाम प्रपोज किया गया है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ने के लिए सेकुलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो इंडिया में आकर पढ़ सकें, और इसके लिए उनको सेकुलरशिप दी जाएगी। वो इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं इंट सेट एग्ज़ाम लेकर। जल्द ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो, अभी आपको पता है हमारे देश में नॉन गेस्टेड पोस्ट पर कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए SSC, IBPS, NABARD ये अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। इससे देखो सरकार को भी काफ़ी नुकसान का उठाना पड़ता है और स्टूडेंट्स को भी बहुत दिक्कत आती है। आज SSC का टेस्ट है, कल को IBPS का टेस्ट है, दोनों का सिलेबस अलग, उसके बाद रेलवे का टेस्ट है, उसके बाद NABARD का टेस्ट है। कैंडिडेट्स टेस्ट देते रह जाते हैं, उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है, उनका पैसा वेस्ट होता है और एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा जाया होते हैं, क्योंकि सिलेबस भी अलग अलग होता है और सरकार को भी देखो कोई बेनिफिट होता नहीं है, पैसा ही ज़्यादा लगता है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए अब बजट में एक प्रपोजल रखा गया है। एक टेस्ट कंडक्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी टेस्ट की सहायता से नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा। ये हो सकता है देखो ग्रेजुएशन के बाद जो टेस्ट कंडक्ट होता है वो अलग हो, प्लस टू लेवल की पोस्ट के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और वो पोस्ट जिनके लिए 10th पास पर्सन्स की आवश्यकता होती है उनके लिए अलग से टेस्ट। लेकिन ये नहीं होगा कि SSC कुछ पोस्ट के लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट करें और उसके बाद रेलवेज अलग से, NABARD अलग से, IBPS अलग से, ये सब नहीं होगा। टेस्ट एक ही होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अलग से, प्लस टू लेवल की पोस्ट के लिए अलग से और 10th लेवल पोस्ट के लिए अलग से। तो इससे देखो बहुत सारा फायदा होगा कैंडिडेट्स को। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्कोर जो होगा कैंडिडेट का वो 3 साल के लिए मान्य होगा। कैंडिडेट को 2 बार एक्स्ट्रा मौका दिया जाएगा अपने स्कोर इम्प्रूव करने का। मान लीजिए किसी पर्सन ने, मोहन ने आज टेस्ट लिया, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, 3 साल तक वो स्कोर जो है वैलिड रहेगा। अगर मोहन को लगता है मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया है तो मोहन 2 बार और ये टेस्ट ले सकता है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, और तीनों में से जिस टेस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर आया है वही स्कोर मान्य होगा। अच्छी बात देखो ये भी है, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की मेरिट लिस्ट होगी इसे स्टेट्स के साथ भी शेयर किया जाएगा कोस्ट बेसिस पर, तो स्टेट्स भी इसी टेस्ट की मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सकेंगे। इवन ये मेरिट लिस्ट प्राइवेट सेक्टर के साथ भी शेयर की जा सकेगी। तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स का कितना ज़्यादा एफर्ट बचेगा। एक बार टेस्ट में अच्छा स्कोर प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट्स फिर दूसरे कामों पर ध्यान दे सकेंगे। अभी तो देखो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट ही लेते रहते हैं, कभी रेलवे का टेस्ट, कभी SSC का टेस्ट, उनका पैसा बचेगा, उनका प्रयास बचेगा। सरकार ने ये बोला है जल्द ही कैबिनेट में इस अनाउंसमेंट से संबंधित प्रपोजल पास किया जाएगा और पब्लिक से सजेशंस भी मांगे जाएंगे कैसे इस अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ये अनाउंसमेंट की तो उन्होंने एक बात ये भी बोली, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो कैंडिडेट्स को दूर दराज के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने ही जिले में ये टेस्ट ले सकेंगे। शुरुआत में हम ये इंश्योर करेंगे कम से कम जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जरूर ये सेंटर हो, बाद में धीरे धीरे ये प्रयास किया जाएगा देश के सभी जिलों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के लिए टेस्ट सेंटर हो। लास्ट में देखो 3 और प्रोविजंस हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी इस्टाब्लिश की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और इस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी में यंग इंजीनियर्स, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को सरकार बोलेगी कि आप स्टार्टअप्स में यूथ को इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास कैपेसिटी अच्छी खासी है
उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा किसी ना किसी प्रकार से, ताकि वो भी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए कोर्सेज चलाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोर्सेज देखो MBBS के बाद होते हैं, अभी इन कोर्सेज के लिए सीट्स ज़्यादा नहीं होती, तभी सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम बड़े हॉस्पिटल्स को इंसेंटिवाइज करेंगे कि उन हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंडर ये कोर्सेज चलाए जाएं। अब लास्ट में देखो हम एनालिसिस करते हैं, बजट में जो प्रोविजंस किए गए हैं उनका एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा वाहवाही जो हो रही है, या फिर यूं कहें सबसे ज़्यादा चर्चा एक जो जिस प्रोविजन पर हो रही है वो ये है, एजुकेशन सेक्टर में 100% FDI को अलाउ कर दिया गया है, और एजुकेशन सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं वो अब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग रूट के थ्रू लोन ले सकती हैं उन लैंडर्स से जो विदेश में मौजूद हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इस पर किसी को डाउट नहीं है, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लोन ले नहीं पाती, और लोन अगर उनको मिलता है तो वो महंगा मिलता है, 12% से लेकर 16% के बीच। लेकिन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग रूट के थ्रू हमारे देश में एजुकेशनल एंटिटीज 4-6% के बीच इंटरेस्ट रेट पर लोन हासिल कर सकेंगी। विदेशों से लोन देखो सस्ता मिलता है, तो एजुकेशनल एंटिटीज को जब सस्ता लोन मिलेगा वो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे हमारे देश में टैलेंटेड फैकल्टीज को अट्रैक्ट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फैकल्टीज को बेटर पे देने के लिए, इनोवेशन पर ध्यान देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारा फायदा होगा जब उनको आसान इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिलेगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू। अभी देखो वेरियस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ से पैसा प्राप्त करती हैं, वो स्टूडेंट्स से कुछ फीस लेती हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट सरकार उन्हें कुछ पैसा देती है, मतलब ये कुछ टूल्स हैं जिनकी सहायता से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसा मिलता है। अब तो देखो कुछ IITs नए तरीके पे फोकस कर रही हैं, जैसे वो पास आउट स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि भैया आप हमारे कॉलेज से पास आउट हुए हो, अब अच्छा खासा कमा रहे हो, आप हमें कुछ डोनेशन दे दीजिए ताकि हम अच्छे ढंग से इस इंस्टीट्यूट को चला सकें। आप देखो IIT दिल्ली से पास आउट हुए हो, कल को आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, तो आपको भी लगता है कि मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की और अब मेरे पास पैसा है तो मैं थोड़ा डोनेट कर देता हूँ IIT दिल्ली को। तो इसी थीम पर अब IITs पैसा कलेक्ट कर रही हैं, लेकिन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का जो रूट है ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। दूसरी तरफ देखो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं इवन ये रूट भी सफिशियंट नहीं होगा, सरकार को और ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए था, सरकार अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकती, सरकार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फंड्स का प्रोविजन करे ताकि उनकी गवर्नेंस ठीक से चलती रहे। अब बात करते हैं 100% FDI की। 100% FDI का फायदा देखो ये होगा कि अब विदेश की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी ब्रांचेज इंडिया में ओपन कर सकेंगी। जब वो इंडिया में अपनी ब्रांचेज ओपन करेंगी तो वो एक्सपर्टीज इंडिया में लेकर आएंगी, और लोकल जो कॉलेजेस हैं उनको भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो हेल्दी कंपटीशन जब होगा ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हमारे देश में इम्प्रूव होंगे। अभी देखो ये प्रोविजन किया जा सकता है कि टॉप 500 या फिर टॉप 700 की लिस्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस आती हैं सिर्फ उनको अनुमति होगी इंडिया में आने की। ऐसा नहीं कि घटिया घटिया विदेशी यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ जाएं और अपनी ब्रांचेज इस्टेब्लिश कर लें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलेट करना ज़रूरी है। काफ़ी सारा फायदा देखो होगा जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आएंगी, कैसे पढ़ाया जाता है इससे हमारे देश की लोकल यूनिवर्सिटीज़ को सीखने को मिलेगा, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और दूसरे देशों से भी बच्चे ज़्यादा हमारे देश में पढ़ने आएंगे, और कई सारे स्टूडेंट्स हमारे देश के जो दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए वो कम जाएंगे, क्योंकि देखो उनको इंडिया में ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जब अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो बाहर वो क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए। ये भी फायदा होगा। एनालिसिस का नेक्स्ट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सरकार देखो अभी कम खर्चा कर रही है एजुकेशन पे। कायदे से सरकार को 6% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन सरकार पिछले 5 सालों से 3% के इर्द गिर्द एजुकेशन पर खर्च करती है, 3% ऑफ GDP। नेक्स्ट पॉइंट,
सरकार देखो नए नए कोर्सेज चला देती है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है देखो पहले ऑलरेडी जो कोर्सेज चल रहे हैं आप उनको ठीक कीजिए, वो जो समस्याओं का सामना कर रही हैं उनको आप एड्रेस कीजिए बजाय नए कोर्सेज को चलाने के। आप नए कोर्सेज चलाकर ये दिखाना चाहते हो कि हमने नया प्रयास किया है, बट देखो इससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, क्योंकि जब भी एक नया कोर्स चलाया जाता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्वॉल्व होता है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ होता है। तो अच्छा ये होगा पहले जो कोर्सेज हैं आप ये इंश्योर कीजिए वो कोर्सेज ठीक से चलें, और उन कोर्सेज की जो आउटकम थी मतलब जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट अचीव हो पुराने कोर्सेज के द्वारा, बाद में आप नए कोर्सेज स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिज कोर्सेज चलाने की सरकार ने बात कही है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया कि हमारे देश से नर्सिस, टीचर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, केयर गिवर्स वो विदेशों में जाके काम कर सकें, उनके पास ऐसी स्किल्स हो, ये इंश्योर करने के लिए ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे। आर्टिकल में कहा जाता है भैया आप इस चीज पर ध्यान दीजिए ना कि एक टीचर जिसने टेस्ट क्लियर किया है, जिसने टीचिंग की डिग्री हासिल की है, इसके बावजूद उस टीचर के पास टीचिंग स्किल क्यों नहीं है? एक नर्स जिसने नर्सिंग का डिप्लोमा किया है उसके पास ऐसी स्किल क्यों नहीं है कि वो विदेश में जाके काम कर सके? आपको आवश्यकता ही क्यों आन पड़ी है ब्रिज कोर्सेज चलाने की? आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ये तो एक प्रकार से वही बात हो गई कि पहले आपने ऑपरेशन किया लेकिन ऑपरेशन में आपके कुछ घाव रह गए, बाद में आपने बैंडेड डाल दी और उसके बाद एक और बैंडेड आपने लगा दी, तो इससे तो चीजें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। थोड़े दिन पहले सरकार ने एक प्रपोजल रखा था कि हमारे देश में जो होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर यूनानी डॉक्टर हैं वो भी एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकें, और ऐसा होने से पहले ये कंपलसरी होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स और यूनानी डॉक्टर्स एक ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करें। लेकिन इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा। अब ये मामला कोर्ट में है। अगर देखो सरकार को ऐसा लगता है कि ब्रिज कोर्सेज की सहायता से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब बैंडेड पे बैंडेड लगा के चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, फिर तो आप ये इंश्योर कर लो कि एक क्लर्क लेवल के ऑफिसर को एक ब्रिज कोर्स करवा के उसको आईएएस जैसा काम कर दो। ये तो वही वाली बात हो गई। तो आप ये बैंडेड लगाना छोड़िए, आप ये देखिए कि वास्तव में स्किल्स में दिक्कत कहाँ आ रही है, आप ये देखिए, और जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसे आप एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, सरकार बहुत बार प्रयास करती है और बोलती है हम इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश पास आउट्स को इंटर्नशिप करवाए या फिर अप्रेंटिसशिप का मौका दें, बट देखो सच्चाई ये है कि इंडस्ट्रीज़ चाहती नहीं हैं। उनको ये लगता है अगर ज़्यादा इंटर्न हमारी कंपनी में इधर उधर घूमेंगे तो वर्क इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, काम करने का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए कुछ इंटर्न्स को तो मौका देती हैं इंडस्ट्रीज वो अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन आप जो थोड़ा बहुत इंसेंटिव देते हो उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज उस स्कीम का फायदा उठाती नहीं है। तो आप ये इंश्योर करो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वही स्किल प्रोवाइड की जाए जिनको इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होती है, ये जो स्किल का मिसमैच होता है ये मिसमैच ना हो। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एफडीआई संबंधी जो प्रोविजंस किए गए हैं ये तो अच्छा है, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और जो डोमेस्टिक टैलेंट है इन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के उनमें डोमेस्टिक सोर्सेज से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लास्ट में ये बोला जाता है देखो वो कंपनीज, वो कॉरपोरेट ग्रुप्स जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर स्किल टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करती हैं वो अच्छा काम करती हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का टैक्स बेनिफिट या फिर इंसेंटिव देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन इस साल के बजट में नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हमने एजुकेशन एंड स्किल्स सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम एक नए सेक्टर को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।